करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो होपफुली बाकी लोग साथ साथ ज्वाइन होते चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन, और आज आप लोगों को बेसिकली बोनस कैसे कैलकुलेट होता है या कितना कमीशन कैसे अर्न होता है और रैंक के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर आपको हो सकेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी यूज होती हैं, दैट इज बोनस पॉइंट। आप लोग सुनते हैं बहुत ज्यादा बीपी बीपी बीपी। तो बेसिकली बीपी क्या होता है कि हर कोई भी प्रोडक्ट जो हम लेते हैं उसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस पॉइंट कहलाते हैं। अब इसी तरह एक हमारा होता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, जिसके ऊपर हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो बीवी होता है ये 58 है इस वक्त। 1 बीपी, 1 बीपी जो है इक्वल्स टू 58 बीवी है, और ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो कि प्रोडक्ट की विदाउट टैक्स वाली अमाउंट होती है, ठीक है। क्योंकि जब कमीशन कैलकुलेट हो रहा होता है तो उसमें फिर टैक्स की एडिशन तो बेसिकली बाद में होती है, इसलिए हम विदाउट टैक्स की अमाउंट वाली प्रोडक्ट की अमाउंट से जो है वो कमीशन कैलकुलेट करते हैं। और जो 58 के अकॉर्डिंगली बीवी बनते हैं, मिसाल के तौर पे किसी एक प्रोडक्ट का 3 बीपी है तो हम उसको 58 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस एक प्रोडक्ट से हमें बीवी कितना मिल रहे हैं, वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल, इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, या आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे लेवल पे पहुँचेंगे तेज बढ़ती चली जाएगी। और ये बेसिकली वॉल्यूम जो है हम कमीशन कैलकुलेशन के वक्त यूज करते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट प्राइस, CP, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम किसी से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं या हम इस हवाले से लेते हैं तो आपको ये बेसिकली 20% डिस्काउंट के बाद जो प्रोडक्ट मिल रही होती है वो बेसिकली आपकी CP प्राइस, कंसल्टेंट प्राइस कहलाती है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास बिजनेस का बीपीज का एक चार्ट होता है, जैसे CPM के बैक के ऊपर मेंशन है। हर बीपीज की रेंज के ऊपर कोई खास किस्म का परसेंटेज आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मंथ एंड पे आपके टोटल पॉइंट्स 200 से लेके 599 तक होंगे तो आपको 3% के अकॉर्डिंगली आपको कमीशन मिल रहा होगा, ठीक है। और 600 से लेके 1199 तक पॉइंट्स होंगे तो आपको 6% के अकॉर्डिंगली कमीशन मिल रहा होगा, ठीक है। सो इसी तरह जो है डिटेल्स 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21, इस तरीके से आपको कमीशन जो है कंपनी का जो है वो 3% से लेके 21% तक आपको मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ 369 के ऊपर आप बेसिकली कंसल्टेंट लेवल पे कहलाते हैं, और जैसे ही आप 12, 15, 18 के ऊपर आते हैं तो बेसिकली आप मैनेजर लेवल की ब्रैकेट में चले जाते हैं, और 21% के ऊपर आप सीनियर मैनेजर टाइटल के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ओरिफ्लेम के साथ परसेंटेज आपकी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, बीपीज के अकॉर्डिंगली बढ़ती चली जाती है, और टोटली डिपेंड करता है आपकी एफर्ट के ऊपर। जिस महीने जितनी एफर्ट करेंगे आपको कंपनी से उतना ही ज्यादा कमीशन, उतनी ही आपकी एफर्ट का मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें ओरिफ्लेम के साथ किसी भी तरह के ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप एक साल से पहले 3% पे 3% से 6% पे नहीं आ सकते, आप एक साल तक जो है वो 3% पे ही रहना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो पहले महीने ही आप 6% पे आ सकते हैं या पहले महीने ही आप जो है वो 3% पे आ सकते हैं, टोटली आपकी एफर्ट और आपके टोटल बीपीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, सो 3% से लेके 6% और फिर आप 9% से लेके 12% मैनेजर टाइटल, और फिर 15, 18 और 21, इस तरह आप के टाइटल्स बढ़ते जाते हैं ओरिफ्लेम के अंदर। 3% के ऊपर अगर मैक्सिमम इनकम की बात की जाए तो आपको 850 रुपये तक का कमीशन आपको मिलता है। अगर कोई आपको कहे कि 3% के ऊपर जी 10,000 रुपये का कमीशन मिल जाएगा तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये रेंज ब्रैकेट बताने का मकसद भी ये है
कि आप खुद डिसाइड करें कि आपको मंथली कितनी इनकम चाहिए, कितनी इनकम ओरिफ्लेम से जनरेट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइटल का प्लान बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि मंथली आपके पास 15,000 से 20,000 की इनकम हो तो ज़रूर आप मैनेजर टाइटल प्लान करें और मैनेजर टाइटल अचीव करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 35,000-40,000 को क्रॉस कर जाए, 50,000 तक हो, तो फिर आपने ज़रूर सीनियर मैनेजर टाइटल की प्लानिंग करनी है। और जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप उसको हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप के ऊपर ये चीज़ें डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उस डेजिग्नेशन तक या उस टाइटल तक आप पहुंच सकें। ओरिफ्लेम के साथ डिफरेंट तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले इमेज ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा आप डायरेक्ट कमीशन भी अर्न करते हैं, और इसके अलावा आपको आपकी टीम के ऊपर भी कमीशन, टीम बनाने के ऊपर भी कमीशन दिया जाता है। बाद में आपको बहुत सारे बोनसेस भी ओरिफ्लेम से मिलते हैं, और आपको मिलते हैं कैश अवार्ड्स, ठीक है। तो इतने सारे तरीके हैं ओरिफ्लेम के साथ अर्न करने के। सबसे पहले अगर मैं इमीडिएट प्रॉफिट को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली ये वो प्रॉफिट है जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं, यानी कि जब हम अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट पसंद करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मेंबर बन गई और अब मुझे हर प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो कोई प्रोडक्ट अगर जिसकी कैटलॉग प्राइस 2,000 रुपये है, ठीक है, और मुझे मिल रहा है 20% डिस्काउंट, तो मैं माइनस कर दूंगी उस कैटलॉग प्राइस वाली प्रोडक्ट की अमाउंट से 20% को, तो मेरे पास आ जाएगा जी 1,600 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये प्रोडक्ट 1,600 रुपये में मिलेगी सीपी प्राइस, ठीक है। तो ये वही है बेसिकली जो कि आपको डिस्काउंट का कंफर्मेशन आपको हो जाती है। इसके साथ साथ ये प्रॉफिट कैसे कहलाता है? जब हम अपने लिए कोई चीज खरीदते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, उस पर हमें बचत हो रही होती है, हमें उसका पैसे ही कम देने होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर वो चीज हमें 1600 में मिल रही है तो आप अपनी जेब से 1600 रुपये ही तो निकाल के कंपनी को दे रहे होंगे। तो इसलिए अक्सर डिस्काउंट हमें फील भी नहीं हो रहा होता कि हम कितना फायदा उठा रहे हैं ओरिफ्लेम के साथ। लेकिन हाँ, प्रॉफिट ज़रूर मज़ा आता है, प्रॉफिट अर्न करने में भी, और प्रॉफिट फिर नज़र भी आता है अच्छा हो तो। प्रॉफिट ऐसे होगा कि जैसे आपको आप मेंबर हैं और आपने किसी को अपनी प्रोडक्ट यूज़ करवाई कि देखो मैंने ये परफ्यूम लिया और कितनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका स्टे भी ज़्यादा है, और उन्होंने उस परफ्यूम को लगाया और उन्हें भी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि अच्छा गुड, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे भी ला के दे दो। तो इस तरह क्या हुआ, आपको मिल गया ऑर्डर। अब जितने ऑर्डर्स आप कलेक्ट करेंगे उतने ऑर्डर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो 25% है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि जितने रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल रही है, ठीक है, जो आपका सीपी है बेसिकली, तो जितने रुपए में आपको प्रोडक्ट मिल रही है, यानी कि 1600 रुपये में अगर मिल रही है, तो उसमें कंपनी कह रही है कि हम आपको 25% मुनाफा भी दे रहे हैं कमाने के लिए। तो आपने क्या किया कि जो जितने में आपको मिल रही है उस प्रोडक्ट की अमाउंट के अंदर प्लस कर दिया आपने 25%, तो आपके पास जो डिटेल्स आ रही आएंगी बेसिकली वो 25% प्रॉफिट ऐड करने के बाद की अमाउंट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि 2,000 रुपये, यानी कि कैटलॉग प्राइस ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, वो वही सेम प्राइस होगी जो कैटलॉग प्राइस बता के आपने उस ऑर्डर लिया। तो आपको ये रीकन्फर्म भी हो गया कि कंपनी की कैलकुलेशन ठीक है और जो कंपनी आपको अमाउंट जो 25% मुनाफा दे रही है वो बिल्कुल ठीक दे रही है, ठीक है। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास सीपी कंसल्टेंट प्राइसेस मौजूद होती है और कैटलॉग नहीं होती, और आपने किसी कस्टमर को फॉरन से उसकी अमाउंट बतानी है कि कैटलॉग प्राइस कितनी है, तो आपने सीपी वाली प्राइस के अंदर प्लस कर देना है 25%, 25%, तो आपको कैटलॉग प्राइस भी पता चल जाएगी और आप उनसे लेंगे 2,000 रुपये, यानी कि कैटलॉग प्राइस ही लेंगे। लेकिन जब आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आप कंपनी को 1,600 रुपये दे रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि 400 रुपये का आपको मुनाफा हो गया और वो स्ट्रेट आपकी पॉकेट में, ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट कमीशन की। अब इमीडिएट प्रॉफिट आप लोगों को क्लियर है तो जल्दी से मुझे चैट पे बताइए, क्लियर है? ओके जी, ग्रेट, हो गया, क्लियर हो गया ना? अच्छा जी, डायरेक्ट कमीशन। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप समझाती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप है डायरेक्ट कमीशन का, यानी कि आपको टीम बनाने के ऊपर, जो परसेंटेजेस की हम बात कर रहे थे 369 वाली, उस पर कैसे आपको कमीशन मिलता है। सो मिसाल के तौर के ऊपर आपको टोटल 2400 पॉइंट्स आपके बनते हैं, तो यानी कि आप हो गए 12% के ऊपर, ठीक है? और पर्सनल आपके जो पॉइंट थे वो बेसिकली आपने किए 100 पॉइंट या 150 पॉइंट, ठीक है? तो बेसिकली आपका डायरेक्ट कमीशन आपके पर्सनल वीपी से मिलता है, और कैलकुलेशन का जो परसेंटेज होती है वो आपके टीम के टोटल वीपीज के ऊपर कहलाती है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अभी आगे देखें, कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आगे हम बीपीज के ऊपर, कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है बीपी बिजनेस पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय बिजनेस वॉल्यूम बीडी और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, ठीक है? तो बीपी क्या हो गया, मिसाल के तौर पे आप टोटल पॉइंट आपके आप 12% कराए हैं 2400 बीपीज के साथ, 2300 पॉइंट आपको टीम से मिले और 100 पॉइंट आपके अपने थे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपको 100 पॉइंट करने पे और पूरी टीम के साथ मिलके एफर्ट करने पे आप चूंकि 2400 पॉइंट के साथ आए, तो इसमें आपको जो पर्सनल पॉइंट करने होते हैं 100 पॉइंट, उससे आपको कितना मुनाफा, कितना कमीशन मिल रहा है। तो आपने किया 100 पॉइंट, मल्टीप्लाई किया उसे बीवी से, 58 से किया, तो 100 पॉइंट का जो टोटल बीवी आया वो 5800 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12% से, ठीक है, क्योंकि आप आई हैं 12% के ऊपर। तो इस तरह जो डायरेक्ट कमीशन आपको मिला 100 पॉइंट करने के ऊपर, वो मिला 696 रुपए का, ठीक है? अब एक एग्जांपल जल्दी से आप लोगों ने करनी है और आप लोगों ने कैलकुलेट करना है इसको 200 पॉइंट से, ठीक है? हम अक्सर 100 पॉइंट करने के बाद भी हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें रोक लेते हैं, हम कहते हैं नहीं जी 100 पॉइंट हो गए, बस इस महीने का टारगेट पूरा हो गया, अब हम बाकी पॉइंट जो है वो अगले महीने के उसके लिए रोक के रख लेते हैं, ठीक है? तो अब आप 200 पॉइंट से इसकी कैलकुलेशन करके देखिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, और उसके बाद आप लोग दोबारा कभी ऑर्डर्स नहीं रोकेंगे। क्या करना है, अभी जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए, मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, और आपने मुझे चैट पे आज का रिप्लाई देना है। 200 को आप, यानी कि 200 पॉइंट आपने पर्सनल किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 से, ठीक है? जल्दी से कीजिए, 200 को आपने मल्टीप्लाई किया 58 से, तो टोटल बीवी आपके पास आ गया, उसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है 12% से। और अब मुझे जल्दी से राइट आंसर बताइए कि आपके पास राइट आंसर क्या आ रहा है, यानी कि अगर आप 12% टाइटल पे आते हैं लेकिन अपने पर्सनल सौ के बजाय 200 पॉइंट करेंगे, तो आपका डायरेक्ट कमीशन कितना बनेगा? जी, कोई करने में कामयाब अगर हो गया है तो चैट पे मुझे जल्दी से आंसर बताइए। पर्सनल पॉइंट 100 के बजाय आपने 200 करना है, ये जो कैलकुलेशन लिखी हुई है ना, बीपी मल्टीप्लाइड बाय बीवी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, ये करना है। 200 को आप मल्टीप्लाई करें 58 से, यानी कि आपने पर्सनल पॉइंट 100 के बजाय 200 किए हैं, तो 200 को आप मल्टीप्लाई करें 58 से, जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12% से,
तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 12% पे आती हैं और पर्सनल 100 के बजाय 200 पॉइंट यानी कि ज्यादा पॉइंट अगर कर लेती हैं तो उससे आपके कमीशन पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ओके जी, 1392 ग्रेट हो गया। अदीना, आरफा, महरीन एंड आरफा एंड आमना के लिए जबरदस्त सी क्लैप भाई। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा पिक किया आप लोगों ने। तो अब आई एम श्योर आप लोग पॉइंट्स नहीं रोकेंगे, ठीक है। अगर हमें 5 या 10 पॉइंट या 20 पॉइंट भी ऊपर आएंगे तो हम वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि हमें उसी मंथ में उसका फायदा, उसका प्रॉफिट भी मिल रहा होगा अगर वो कस्टमर ऑर्डर है, और कमीशन में फायदा आ ही रहा होगा, ठीक है। ग्रेट, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट कमीशन जो कि आपके पर्सनल वीपी से मिलता है। अब मैं जल्दी से आपको समझाती हूँ कि आपकी टीम का कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है और टीम से कैसे मिलता है। जो टीम से मिलता है उसे इनडायरेक्ट कमीशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी पूरी टीम के साथ आपकी जो एफर्ट रही, आपने उनके साथ मिल के जो टारगेट, जो टाइटल आपने हासिल किया, उसके ऊपर आपका टोटल कमीशन कितना बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले अब इसको थोड़ा सा देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे आप हैं, आपके 100 पॉइंट हैं, आपकी टीम में ए बी सी डी 4 लोग हैं। ए ने किए हैं 100 पॉइंट, ठीक है, बी ने किए हैं 600 पॉइंट, सी ने 700 और डी ने 400। तो आपकी टीम के अंदर इन 4 लोगों के इतने इतने पॉइंट हैं। ए था 0% पे, 600 बीपी वाला 6% पे आ गया, 700 वाला भी 6% पे रहा और 1700 बीपी वाला 9% पे आ गया। तो आपने अब ये देखना है कि आप कौन से टाइटल पे हैं आपके, यानी कि इन सारे बीपीज को जब टोटल किया तो कितने आ रहे हैं, 3200 पॉइंट, 3200 पॉइंट आपके टोटल कहलाएंगे। सो 3200 पॉइंट के ऊपर आप कहाँ होते हैं, आप 12% के ऊपर ही होते हैं। 2400 से लेके 3999 तक आप 12% टाइटल के ऊपर होते हैं। अच्छा जी, सो अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपका कितना कमीशन बनेगा और कैसे कैलकुलेट होगा। हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, बीपी मल्टीप्लाइड बाय बीवी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। तो सबसे पहले हमने अपने 100 पॉइंट के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट कमीशन कैलकुलेट कर लिया, 100 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 58, तो टोटल आ गया 696, जो कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने जब आपके नीचे टीम के अंदर कमीशन कैलकुलेट करना होता है तो आपको डिफरेंस निकालना होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप 12% पे हैं, लेकिन ए कौन सी परसेंटेज पे है, 0% पे, क्योंकि उसके 100 बीपी हैं। तो 12-0 इसका मतलब कि मुझे ए से पूरा का पूरा 12% 12% मैं इससे कमीशन हासिल करूंगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने दोबारा से उसके 100 बीपी को मल्टीप्लाई किया बीवी से, और परसेंटेज का डिफरेंस कोई भी नहीं है क्योंकि वो किसी परसेंटेज पे नहीं है, तो मैं पूरे के पूरे 12% लेने की हकदार हूँ। इसी तरह अब मैंने बी को देखा, बी देखें कौन सी परसेंटेज पे है, 6% के ऊपर है, ठीक है, और मैं हूँ 12% के ऊपर, तो 12 में से मैं 6 लूंगी, क्योंकि 6% क्योंकि जो 6% है वो 6% आपको जो है मिल रहा होगा, अच्छा जी, तो 6% बेसिकली बी वाला जो है वो ले रहा होगा, उसको मिलेगा, और 6% मेरा डिफरेंस है उससे, तो मुझे भी 6% मिल रहा होगा, लेकिन मुझे जो 6% मिलेगा वो 600 बीपीज के अकॉर्डिंगली ही मिल रहा होगा। तो 600 बीपीज मल्टीप्लाइड बाय 58
और फिर इसी तरीके से ये आपका आ गया आंसर, और उसको मल्टीप्लाई 6% से किया तो यानी कि मुझे 20 से 2088 रुपए का कमीशन मिला। इसी तरह सी जो है वो 700 बीपी के ऊपर है लेकिन वो है 6% के ऊपर ही, और 12 में से मैं जब 6 माइनस करूंगी तो मुझे 6% का डिफरेंस मैं ले सकती हूँ, और इस तरह से मैंने 700 पॉइंट्स के ऊपर जब बीबी से मल्टीप्लाई किया और 6% निकाली तो देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ कि 2436 रुपए। 600 पॉइंट वाली टीम के मेंबर के साथ जो 6% मुझे मिल रहा था वो 2088 मिल रहा था, लेकिन 700 पॉइंट करने वाले टीम मेंबर से जो 6% मिल रहा है वो बढ़ गया है, वो 2400 हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ खुद नहीं अपनी टीम के अंदर भी लोगों को कहना है कि मैक्सिमम ऑर्डर्स वो अपने प्लेस करें, मैक्सिमम बीपी का जो उनको ऑर्डर्स मिला है वो उसको प्लेस करें, उसे रोके नहीं, ठीक है। इसके अलावा डी जो है वो बेसिकली 1700 पॉइंट्स के साथ 9% पे है, तो अब गौर से देखिएगा कि मैं 12 में से माइनस करूंगी 9 को, क्योंकि डी जो है वो 9% पे है और 9% वो खुद हासिल करेगा ना, उसको कंपनी 9% का कमीशन देगी, लेकिन मैं 12% के ऊपर हूँ तो मैं उससे 3% लेने की हकदार हूँ, मुझे उससे 3% का कमीशन मिलेगा। तो इस तरह डी के 1700 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 58 और मेरा 3% जो बना वो सबसे ज्यादा बना 2998 रुपए, 58, ठीक है, 2958। और ये जब हम टोटल प्लस कर देंगे तो ये हमारा परफॉर्मेंस डिस्काउंट यानी कि हमारा कमीशन कहलाएगा, यानी कि अगर मैं 12% पे हूँ और मेरी टीम के अंदर 4 लोग इस तरह से एक्टिवली काम कर रहे हैं तो समझिए कि मेरा कमीशन 8876 रुपए तक का बन 74 रुपए तक का बन सकता है, ठीक है। और यही कैलकुलेशन सेम इसी तरह से आपने अपनी टीम के साथ करनी है, अपने 2-4 लोगों के हिसाब से जो आपके एक्टिवली काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। बहुत मजा आएगा आप लोगों को खुद से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब एक और एग्जांपल से सीखते हैं। मेरे है 100 पॉइंट और मेरी टीम के अंदर ए बी सी डी 4 लोग आ गए, ए के आगे 200 पॉइंट, बी के आगे 600, सी के 1300 और डी के 3000, और ये कौन कौन से परसेंटेजेस के ऊपर आते हैं, 3, 6, 9 और 12 के ऊपर, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं, ए जो है ये बेसिकली 200 पॉइंट के साथ 3% पे है। सबसे पहले मैं अपने 100 बीपी के अकॉर्डिंगली अपना डायरेक्ट कमीशन चेक करूंगी, तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम है, आप लोगों ने याद रखना है बीपी मल्टीप्लाइड बाय बीवी बिजनेस वॉल्यूम जो कि 58 है, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जो आपकी है, और जब टीम की करेंगे तो हम डिफरेंस वाली परसेंटेज ऐड करेंगे। अपना कमीशन परफॉर्मेंस अपना डायरेक्ट कमीशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने 100 पॉइंट को मल्टीप्लाई 58 से किया और उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकाली और पता चला 696 जो कि आप लोगों ने किया भी है। अब देखिए कि बी के हैं 200 पॉइंट, ठीक है, मैं 12% पे हूँ और वो है 3% के ऊपर, 12 में से मैं 3 माइनस करूंगी तो पीछे क्या बचेगा, 9 बचेंगे, तो यानी कि मुझे ए से 9% का कमीशन मिलेगा और उसको मैंने इसी तरह कैलकुलेट किया, बीपी इज मल्टीप्लाइड बाय बीवी मल्टीप्लाइड बाय 9%, तो मेरे पास आ गए 1044। इसी तरह बी से जो परसेंटेज का लेवल है बी 6% पे है, मैं 12% पे हूँ तो मुझे क्या डिफरेंस मिला 6% का। इसी तरह सी 9% पे है, मैं 12% पे हूँ तो मेरे आगे मुझे मिला 3% का कमीशन। और डी अब ये गौर से देखिएगा, बी के है 3000 पॉइंट और 3000 पॉइंट के ऊपर हम 12% मैनेजर टाइटल के ऊपर होते हैं और मैं भी 12% के ऊपर हूँ, तो अगर मेरी टीम के अंदर सेम टाइटल आ जाएगा और मेरी टीम के अंदर उसके ज्यादा बीपीज होंगे
तो मुझे उससे कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस सूरत हाल को पॉजिटिव आप कर सकती हैं अपने बाकी लोगों से बीपीस को बढ़ा के। अभी इस कैलकुलेशन के अंदर देखिए, मैं 12% पे हूँ और मेरी टीम का भी एक बंदा 12% पे है। तो बात यहाँ पे सिर्फ ये क्लैरिटी किया कि देखें, जब मैं भी 12 पे हूँ, वो भी 12 पे, 12 में से 12 जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो मैं उससे कुछ भी कमीशन हासिल नहीं करूंगी, लेकिन ए बी और सी बाकी लोगों से पॉजिटिव बात ये है, गुड पॉइंट ये है कि मुझे बाकी लोगों से कमीशन मिल रहा है, ठीक है। टोटल जब हम करेंगे तो इस तरह देखें कि 6090 रुपीस तक का कमीशन आपका इस सूरत हाल में भी बन जाता है। लेकिन आप एक लम्हे को ये अज्यूम कीजिए और इस कमीशन को दोबारा से एक दफा कैलकुलेट कीजिए कि आप 15% पे आ गए, क्योंकि आपके नीचे टीम के अंदर एक बंदा जो है ना वो 12% पे। हमने क्या करना है, हमेशा एक लेवल अप रखना है ताकि हमें टीम के अंदर हर बंदे से कमीशन मिलता रहे। तो अगर मैं 3 पे हूँ, मेरे नीचे कोई 3% पे आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 6% पे आना है, मैंने नेक्स्ट लेवल अचीव करना है ताकि मैं डिफॉल्ट ना हूं और मुझे भी कमीशन अच्छा मिले। सो इन सिचुएशन के अंदर देखिए कि लेट्स से कि ये टोटल बीपीस 5200 होते हैं, तो 5200 के ऊपर देखिए मेरा लेवल क्या होता है, मैं आ जाती हूँ 15% के ऊपर। और अब कैलकुलेट करके देखिए तो मजा आएगा कि मैं 15% पे हूँ, ए 3% पे है, ए से मुझे मिल गया कितना, 12% का कमीशन। पहले कितना मिल रहा था, जब मैं 12 पे थी मुझे 9% मिल रहा था। तो यानी कि अगर मैंने अपना टाइटल अप किया तो मुझे एक नहीं, हर बंदे से, हर टीम मेंबर से जो कमीशन मिलेगा वो अब पहले से ज्यादा मिलेगा। सो पर्सनल बीपीस के अकॉर्डिंगली भी जो मैंने 15% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन की, पहले मैंने कैलकुलेशन 12% से की थी तो 696 आ रहा था, और अब मेरा टाइटन चूंकि बढ़ चुका है 15% के ऊपर, अब मुझे पर्सनल 100 बीपी भी बनाने पे 870 रुपए का कमीशन मिल रहा है। मजीद 3% वाले से मैं 12% लेने की हकदार हूँ, तो समझें कि मुझे उससे 1392 रुपए। इसी तरह बी सी और डी 3000 बीपीस के साथ 12% पे है, मैं 15% पे हूँ, तो 15 में से जब मैं 12 निकालूंगी तो पीछे आ जाएगा 3%। तो 3% भी अगर आप देखें 3000 बीपीस का, मैं 3% भी निकालूंगी तो सबसे बड़ा अमाउंट है जो कि 5220 रुपए का है। तो इस तरह जब हम अपनी टीम में लोगों को हेल्प करते हैं कि वो भी बड़े टाइटल्स की तरफ आए, लेकिन अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी होती, हमने अपनी भी पर्सनल रिक्रूटमेंट करती रहने हो चाहिए और बाकी लाइंस पर भी काम करना चाहिए ताकि हमारा टाइटल जल्दी अप हो। और इस तरह डिफरेंस भी रहा और मुझे हर बंदे से कमीशन अच्छा मिला, और यूं 15% पे मैं 15138 रुपए तक का कमीशन मैंने हासिल कर लिया। तो अब ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, आपने इसको प्रैक्टिस बहुत ज़रूर करनी है। तो अभी तक हमने इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में लर्न किया, मैंने आप लोगों को गाइड किया, इसके बाद हमने डायरेक्ट कमीशन को भी लर्न कर लिया कि आपके पर्सनल बीपीस को मल्टीप्लाई बीपी से किया जाता है और कमीशन देखा जाता है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कमीशन होता है वो आपकी टीम का कमीशन होता है, यानी कि आप के नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं और उन लोगों के
कौन कौन से परसेंटेज के ऊपर कौन बंदा आया और उससे आपको कितना कमीशन मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मंथ एंड पे जो कंपनी की तरफ से आपको एक मैसेज आता है कैलकुलेट हुआ हुआ, वो इस तरह की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है, या आप लोग अपनी बिजनेस एप्स में अपना कमीशन चेक कर रहे होते हैं तो वो इसी तरह कैलकुलेशन के साथ शो कर रहा होता है। सो अब आप लोगों ने जितना कमीशन हासिल करना है उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करें कि आपकी टीम में कौन कौन सी परसेंटेज पे होना चाहिए ताकि आपकी उतनी कमीशन बने। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट बोनसेस की, ठीक है। सो बोनस के ऊपर आपको ये बताती चलूं कि मिसाल के तौर पे हमें बोनसेस तब मिलना शुरू होते हैं जो कि हमारा बेसिकली डायरेक्टर बोनस से स्टार्ट होता है। बोनस आपको तब मिलना कंपनी से शुरू होता है जब आपकी टीम के अंदर 10,000 वीपी करने वाला बंदा होता है। अब जब आप अपनी टीम में नीचे किसी को 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऊपर टाइटल तक आने देंगे तो ही वो 10,000 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मेरी टीम के अंदर 4 लोग हैं और 4 में से एक के हैं 10,000 पॉइंट, बाकियों के डिफरेंट 300, 2400, 7600 यानी कि बाकी इस टाइटल्स के ऊपर हैं, तो इस तरह मेरे टोटल पॉइंट जो हैं वो तकरीबन 17, 18, 18.5, 19,000 के करीब होंगे और यूं मेरा टाइटल जो है वो सीनियर मैनेजर ही होगा। अच्छा, जब हमारी टीम के अंदर, ठीक है, 10,000 बीपीस करने वाले लोग होते हैं तो देखें सबसे पहले कमीशन कैलकुलेट वही तरीका बीपी मल्टीप्लाई बाय बीवी से अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा और ए से जो डिफरेंस, मैं 21 में हूँ और ए जो है वो 3% के ऊपर है तो डिफरेंस 18% हुआ, तो मैंने यूं उसको कैलकुलेट किया 300 बीपी के अकॉर्डिंगली तो मुझे उस एक 3% से 3,132 रुपए का कमीशन मुझे मिला। बी से 12% के ऊपर हूँ और बी जो है वो 12% पे है, मैं 21% पे हूँ तो समझें कि मुझे 9% मिला और इसी तरह डिफरेंस सी से मिला। अब जो डी है ना, डी से, डी भी 21 के ऊपर है और मैं भी 21 के ऊपर हूँ तो क्या हुआ, अब सेम टाइटल हो गया ना, तो यहाँ पे कमीशन क्या बनता है, 0 बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपके पास इस 10,000 के अलावा अदर लाइन से इस टीम मेंबर के अलावा बाकी टीम मेंबर से आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर 4,000 से ज्यादा होते हैं तो आप उस 10,000 का 4% भी हासिल कर लेते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन 4% बेसिकली हमारा डायरेक्टर बोनस कहलाता है। तो 10,000 बीपी करने वाला जो बंदा है उससे आपको 4% जो मिलता है वो आपको मिला 23,200 रुपए। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपके पर्सनल पॉइंट 200 होने चाहिए जब आपकी टीम के अंदर कोई 10,000 बीपी करने वाला सीनियर मैनेजर मौजूद हो, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्वालिफाई करते हैं 4% बोनस को और यू टोटल कमीशन सीनियर मैनेजर टाइटल के ऊपर जब आपकी टीम के अंदर एक 10,000 बीपी करने वाला भी होता है तो 54,520 को क्रॉस कर जाता है। अब ये जो बोनसेस हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ डायरेक्टर बोनस के बारे में थोड़ा सा बताया है, ये वो बोनस होता है जब आपको टीम के अंदर 10,000 बीपी करने वाला यानी कि सीनियर मैनेजर लाने की सूरत में मिलता है कंपनी के लिए। ये 4% के अलावा आपको गोल्ड बोनस भी कंपनी देती है, सफायर बोनस देती है, डायमंड बोनस, डबल डायमंड और एग्जीक्यूटिव बोनस, 6 तरह के बोनसेस हैं जो कि अभी आप लोग नहीं ले रहे लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं, कंपनी इंतजार कर रही है कि आप जल्दी जल्दी इन टाइटल्स तक पहुंचें और हम आपको ये बोनसेस दें।
क्योंकि जो एक्चुअली मंथली कमीशन है वो आपका इंक्रीज जो होगा जो लाखों में जाएगा वो लाखों में तभी जाएगा जब आपको बोनसेस भी मिल रहे होंगे काम से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ढेरों कैश अवार्ड मौजूद हैं जो कि सिंपल डायरेक्टर कैश अवार्ड यानी कि 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। गोल्ड डायरेक्टर टाइटल हासिल करने पे आपको 2 लाख, सीनियर गोल्ड पे 3 लाख, सफायर पे 4 लाख, डायमंड पे 5, सॉरी डायमंड पे 6 लाख, और इससे बड़े बड़े टाइटल तकरीबन 10,000 US डॉलर का हमारा सबसे बड़ा कैश अवार्ड है जो कि अभी तक सिर्फ एक ही बंदे ने लिया हुआ है। तो आपका वेट कर रहा है ओरिफ्लेम के साथ। आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपना फोकस क्लियर करना है, आपने बहुत सारे कैश अवार्ड हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मैक्सिमम पाकिस्तान में डायमंड डायरेक्टर तक का कैश अवार्ड लिया जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ तक काउंटिंग रोक दी है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये तो पता नहीं कौन सी ख्याली बातें कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनली इन टाइटल्स, इससे बड़े टाइटल्स के ऊपर भी कैश अवार्ड्स लिए जा चुके हैं। सो अब इतने बड़े बड़े कैश अवार्ड्स और सब चीज़ें हासिल करने के लिए अगेन करना क्या है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हासिल करनी है, क्योंकि जब हमें नॉलेज होगी तो हम बेहतर रिकमेंडेशन दे सकेंगे, और जब लोगों को बेहतर रिकमेंड करेंगे तो या तो हमें ऑर्डर्स मिलेंगे और उस सूरत हाल में हमें प्रॉफिट मिलेगा, या मेरी टीम के मेंबर्स के अंदर इजाफा होगा, और इजाफे से क्या होगा कि मेरी टीम बड़ी होती चली जाएगी। मैं और मेरी टीम मिलके जब अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेगी, टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस रखूंगी, तो मैं ज्यादा 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 अर्न ज्यादा अर्निंग कर सकूंगी कमीशन काम के ऊपर। इसके साथ साथ आपने कैटलॉग्स जो हैं उसको ज़रूर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी है। अब तो आप लोगों के पास ऑनलाइन पीडीएफ होता है क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग ज़्यादा हो रही है, तो ऑनलाइन कैटलॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, शेयर करें, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ उनको दें ताकि वो उससे इम्प्रेस्ड हों और आपको ऑर्डर दे सकें, ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैटलॉग दिखाने के साथ साथ ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में इनवाइट भी करना है। हमारी कराची की महंगा ओएम कल शाम को 4 बजे है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की रिकग्निशन होने वाली है। बहुत सारी वहां पे आपको एनर्जी मिलेगी, बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी, तो जितने भी न्यू अचीवर्स हैं जरूर अटेंड कीजिएगा, और जितने भी पुराने कंसल्टेंट्स हैं हमारे वो भी अटेंड करें, और अपने साथ कोशिश करें कि दो दो तीन तीन प्रोस्पेक्ट्स को जरूर इनवाइट भेजें ताकि वो भी आपके साथ इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि वो जब अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करेंगे तो वो रिक्रूट होंगे, वो एग्री करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। और इस तरह आपकी टीम बड़ी होती चली जाएगी, और आपने ये तरीका जो है फॉलो करना है कि आपने उन्हें भी ट्रेनिंग्स की तरफ लेके आते चले जाना है, क्योंकि ट्रेनिंग्स जो लेता है वो डेवलप होता है, और जो कोई टाइटल हासिल करता है डेवलप हो जाता है किसी मुकाम तक पहुंच जाता है, तो वो फिर अपनी तरह आपने डुप्लीकेशन करनी होती है, अपने जैसे कामयाब लोगों को बनाना होता है अपनी टीम के अंदर। इस तरह क्या होगा कि आपकी टीम भी बड़ी मजबूत हो जाएगी, आपका नेटवर्क मजबूत होगा, और आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लीडर्स पैदा होंगे, और लीडर्स जितने ज्यादा आपकी टीम के अंदर आते चले जाएंगे इस सूरत हाल में आपको बोनसेस मिलेंगे और आपकी इनकम और ज्यादा हाई ओरिजिन के साथ होती चली जाएगी, ठीक है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और इतनी तसल्ली इत्मीनान के साथ इस सेशन को अटेंड करने का। अब मैंने चैट आप लोगों के लिए इनेबल कर दी है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी से कंफर्म कर लीजिए, और अगर अब आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो जरूर कैलकुलेट कीजिएगा, बल्कि बहुत इजीली है। जितना भी आपने जस्ट लर्न किया उसको ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर अभी आप उसको ट्राई कर लेंगी, अगर अभी आप उसका छोटा सा ग्राफ बना के, छोटी सी 4 लोगों की टीम बना के एक प्रैक्टिस कर लेंगी ना, तो
तो ये हमेशा सेशन यानी कि ये कैलकुलेट करना आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, ठीक है? अगर अभी नहीं करेंगे तो दिमाग से स्किप भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप इसकी एक एग्जाम्पल बना के या अपनी टीम का बना के आप फौरी तौर के ऊपर कैलकुलेशन कर लें, और इसी तरह आप अपने मंथ के टारगेट्स को प्लान करके जरूर चलें। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, थैंक यू शबाना, आमना, महरीन। आई एम हैप्पी कि आप लोगों को कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हुई होगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग न्यू होंगे और उनको बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, बट दोबारा एक दफा अटेंड कीजिएगा और चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोग खुद से भी ये कर सकेंगे, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं इस सेशन को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कल मैं बिजी होंगी मेगा वन के अंदर जो कि 4 बजे है, तो कल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स के साथ कल 4 बजे वाला सेशन आप लोगों ने ज्वाइन करना है। मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट्स को लिंक शेयर करना है ताकि सब मिलके अपॉर्चुनिटी मीटिंग को भी अटेंड करें, रिकग्नाइज कैसे होते हैं वो मज़ा भी लें, और इसके साथ साथ आपके रिक्रूट भी हों, ठीक है? अच्छा नायला, आपका क्वेश्चन जो है कि सीनियर मैनेजर लेवल पर मिनिमम 150 VPs करने होते हैं। नहीं, सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर आप 100 पॉइंट्स भी कर सकती हैं, लेकिन जब आपकी टीम के अंदर एक और 10,000 VP करने वाला टीम मेंबर आ जाता है तो आपके पर्सनल पॉइंट 200 होने चाहिए। सीनियर मैनेजर के ऊपर मिनिमम 150 पॉइंट्स इसलिए आपको करने पड़ते हैं कि अगर आप LC क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं तो LC के लिए आपका मिनिमम 150 पॉइंट्स करना ज़रूरी होता है। तो हो सकता है इस वजह से आपको ये मैसेज मिला होगा, अदरवाइज जब आपकी टीम के अंदर कोई 10,000 VP करने वाला होता है तो आपके 200 VP करने लाजमी होते हैं, वरना आपको 4% बोनस नहीं मिलता। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।